नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। नमस्कार जी सर। सर पिछली बार आपने हमें काफी अच्छी चीजें बताई थी कॉमोडिटीज में, जो हम देख भी रहे हैं पूरा हफ्ता। आज का नया लेके आए हैं सर? देखिए डेफिनेटली जैसे मैंने कहा भी था कि अक्टूबर के बाद कमोडिटी काफी हलचल में रहेगी, नो डाउट। कल हमने फेड के भी अपडेट आते हुए देखे, जिसके बाद सोना चांदी बेस मेटल कच्चे तेल के साथ साथ बेस मेटल सभी में हमने एक अच्छा उठापटक देखा। बट इसके विपरीत अगर हम पिछले हफ्ते भर की बात करें तो पूरे एग्री पैक के अंदर जबरदस्त मूवमेंट बना। जैसे हमने पिछली बार मसालों में बताया था कि मार्केट का ट्रेंड काफी स्ट्रांग लग रहा है और हमने देखा भी कि लोअर लेवल से प्राइसेस ने काफी अच्छे मूवमेंट दिए हैं। ऐसा ही कुछ हाल गवार का है, क्योंकि अब तक गवार में हमने अच्छी खासी गिरावट देख चुके हैं। अब कहीं ना कहीं लोअर लेवल से गवार में एक अच्छा पॉजिटिव मूवमेंट बना है। सबसे पहले अगर प्राइस आउटलुक की बात करें तो हमने रिसेंटली देखा कि जनवरी से लेकर अभी तक लगभग 21% की गिरावट हमने गवार में आते हुए देखी है, लेकिन पिछले एक हफ्ते के अंदर ही हम देखें तो 2.5% की प्राइसेस रिकवरी दिखा रही है। हम देख सकते हैं कि अगस्त सितंबर में जो 4500 का लो मारा था, यहाँ पे एक तरह का डबल बॉटम फॉर्मेशन होकर अब प्राइसेस ऊपर आने की बिल्कुल कोशिश कर रही है। सिमिलरली गवार गम में भी अगर हम देखें तो पिछला लो तो काटा नहीं है, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं हमने 87-88 पे एक बेस क्रिएट करते हुए देख रहे हैं। तो दोनों ही कमोडिटी ने पिछले जनवरी से लेकर अभी ये जनवरी से लेकर अभी तक नेगेटिव रिटर्न ही दिए हैं, बट अब कहीं ना कहीं जो ये गिरावट है ये एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन जाती है, क्योंकि अब तक हमने जो गिरावट देखी है उसका कारण था रिसेशन फियर। हमने देखा कि ग्लोबल मार्केट में, और गवार गम एक इंडस्ट्रियल कमोडिटी है क्योंकि फूड इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, एडेसिव इंडस्ट्री, एनर्जी इंडस्ट्री, सभी के अंदर गवार गम का यूज होता है। तो हमने देखा जो रिसेशन फियर बना था जिसके चलते गवार गम में कंटिन्यू गिरावट था, क्योंकि इंडस्ट्रियल डिमांड में काफी कमी थी। वहीं दूसरी ओर अगर सोइंग की बात की, क्योंकि पिछले साल भाव अच्छे होने की वजह से सोइंग इस बार जबरदस्त हुई थी। जो पिछले साल का प्रोडक्शन था वो लगभग 55 लाख बैग के आसपास था और इस बार माना जा रहा था कि 1.25 करोड़ के आसपास हो सकता है। नो डाउट कुछ यील्ड में ड्रॉप थी, बट फिर भी अगर हम देखें तो 1 से लेकर 1.10 करोड़ के आसपास का अगर प्रोडक्शन रहता है तब भी पिछले साल के मुकाबले डबल प्रोडक्शन होने की वजह से अब तक की एक गिरावट बन रही थी। बट कुछ अभी ऐसे फैक्टर्स है जो ऑलरेडी मार्केट डिस्काउंट कर चुका है और यहाँ से अब मार्केट उभरना चाहिए। जैसे बम्पर स्विंग हमने देख चुका है, मानसून काफी अच्छा था जिसकी वजह से क्रॉप को भी सपोर्ट मिला, इंडस्ट्रियल डिमांड कम थी, रुपी लोअर लेवल पे आ चुका है जिसकी वजह से अब एक्सपोर्ट को सपोर्ट मिलेगा, और कहीं ना कहीं रिसेशन फियर है ये ऑलरेडी मार्केट डिस्काउंट कर गया है। कच्चे तेल का प्रोडक्शन अब तक तो नीचे था, बट एनर्जी क्राइसिस चाहे यूएस हो चाहे यूके है, यहाँ पे हमने देखा कि कहीं ना कहीं अब प्रोडक्शन बढ़ाने की बातें हो रही है, जो कहीं ना कहीं गवार कॉम्प्लेक्स को सपोर्ट करेगा। आने वाले कुछ महीनों में आपको 5-7 चीजें नजर रखनी है। फॉर एग्जाम्पल, जो एनर्जी क्राइसिस है उसको इज आउट करने की कोशिश की जा रही है, इसका मतलब है कच्चे तेल का प्रोडक्शन बढ़ेगा चाहे यूएस हो चाहे यूके है। यूके में नो डाउट कच्चे तेल के फ्रैंकिंग को लेकर कहीं ना कहीं एक असमंजस वाली स्थिति बनी है, क्योंकि फॉर्मर जो पीएम थी उन्होंने फ्रैंकिंग के ऊपर बैन हटा दिया था, बट नए जो यूके पीएम है उन्होंने वापस बैन ला दिया है। इसकी वजह से कुछ अनसर्टेनिटी बनी है, लेकिन अगर कच्चा तेल ज्यादा तेज होता है, क्योंकि ओपेक ने भी प्रोडक्शन कट किया है, तो कहीं ना कहीं इनको वापस रिव्यू करना चाहिए। और मेजोरिटी इकोनॉमी इंटरेस्ट रेट हाइक करना चालू कर चुकी है, जिसका मतलब है कि इन्फ्लेशन को कम करना है, और इन्फ्लेशन में सबसे बड़ा पार्टिसिपेशन कच्चे तेल का है। तो कहीं ना कहीं ये गवार कॉम्प्लेक्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज गवार में हमने इस बार यील्ड में भी ड्रॉप होते हुए देखी, और पाकिस्तान भी एक सेकेंड बड़ा स्टेट हम बोल सकते हैं, कंट्री है जो प्रोडक्शन करता है गवार का। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में भी कुछ क्रॉप डैमेज हुई, जिसका मतलब है इंडियन गवार इंडस्ट्री को इसका पूरा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। सीजनलिटी से अगर हम बात करें तो सीजनलिटी के अंदर हम ज्यादा करके अक्टूबर मंथ में तेजी देखते हैं, नवंबर में गिरावट होती है, बट इस बार ऑलरेडी हमने ये जो गिरावट है ये कहीं ना कहीं अक्टूबर मंथ में देख चुके हैं। तो हमें लगता है कि नवंबर और दिसंबर में अब प्राइसेस में एक सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि जो मान्यता है कि हाँ अराइवल प्रेशर रहेगा वो ऑलमोस्ट मार्केट डिस्काउंट कर चुका है। तो मुझे लगता है कि नवंबर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, जो बेस बनाना था वो मार्केट बना चुका है। गवार गम का भी यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो नवंबर में काफी गिरावट रहती है, बट ऑलरेडी हमने इस चीज को डिस्काउंट अक्टूबर मंथ में देखा, जो लगभग 5.5% की गिरावट के साथ मार्केट
ट्रेड कर रहा था, बट कहीं ना कहीं अब ये 8800 का बेस बनाकर नवंबर दिसंबर में ये इंडस्ट्रियल डिमांड को ट्रिगर करेगा, जिसकी वजह से गवार गम में तेजी बननी चाहिए। अब हम टेक्निकल प्रोस्पेक्टिव से अगर देखते हैं तो गवार में आप देखिए यहाँ पे 4500 का एक स्ट्रॉन्ग बॉटम बना रहा है, क्योंकि एक ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को जस्टिफाई कर रहा है ये भाव। और साथ में हमने रिसेंटली जो गिरावट देखी है यहाँ पे डबल बॉटम बनाकर प्राइजेस जंप करने की कोशिश कर रहा है, तो हमें लगता है इनिशियली अगर हम मैनेवर की बात करें तो 5050 का काफी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, बट हमें लगता है कि एक बार प्राइजेस अगर 5040-50 के ऊपर निकल जाता है तो 5400 से 5800 के लेवल अगले दो ढाई महीनों में हम वापस आते हुए देख पाएंगे, तो गवार पे नजर रखिए। ऐसे ही कुछ हाल गवार गम का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 200 मूविंग एवरेज काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्टूबर 2019 में हमने देखा था प्राइस इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रही थी, और जैसे ही कुछ बड़े कंसोलिडेशन किया ब्रेकआउट हुआ और हमने जुलाई 2021 में ब्रेकआउट देखा 200 मूविंग एवरेज, तो प्राइजेस ने लगभग 13,500 का जंप दिखाया था, और अब हम देख पा रहे हैं कि प्राइजेस बिल्कुल 200 मूविंग एवरेज के सपोर्ट से उठता हुआ दिखाई दे रहा है और लोअर हाई का पैटर्न बना रहा है, तो टेक्निकली भी काफी स्ट्रांग है, जहां पे 9200 के ऊपर कंटिन्यूस स्टैंड होने पे 10,200 तो इमीडिएट टारगेट है, बट माना जा रहा है कि 11,600-11,700 तक का भी लेवल अगले 2 से 2.5 महीनों में दिखा सकता है, तो फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों ही सपोर्टिव। एंड आखिरी अगर हम ये रेशियो की बात करें, क्योंकि रेशियो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, कभी भी अगर गवार गम में तेजी ज्यादा आती है तो मतलब इंडस्ट्रियल डिमांड स्ट्रांग हो रही, तो जिस ढंग से हम देखें इकोनॉमी, चाइना इकोनॉमी ओपन अप हो रही है, यूएस, यूके, इंडिया सब इकोनॉमी को ओपन अप करने की कोशिश कर रहे हैं, बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं, तो इंडस्ट्रियल कंजम्पशन जो गवार गम का है वो बढ़ता हुआ दिखाई देगा, जिसके चलते हम देख सकते हैं ये प्रीवियस हाई जो था वो 1.97 का था वो तोड़ चुका है और अब 1.98 के करीब है। अगर 2 के ऊपर ये रेशियो निकल जाती है इसका मतलब है इंडस्ट्रियल डिमांड स्ट्रांग रहेगी, और माना जा रहा है कि टेक्निकली ये करीबन 2.21 तक चले जाएगा, जिसका मतलब है गवारगम अब स्ट्रांग हाथों में आ चुका है, फंडामेंटल टेक्निकल और रेशियो वाइज भी गवारगम काफी स्ट्रांग दिखा रहा है। तो अगर आज के इस सेशन को सम अप करते हैं तो हमने देखा एनर्जी क्राइसिस की वजह से आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं गवार को सपोर्ट मिलेगा। फ्रैंकिंग यूके ने पहले ओपन किया था फिर बैन किया है, बट अगर कच्चा तेल कंटिन्यू बढ़ता है तो इनको वापस रिव्यू करना पड़ेगा। यूएस भी कैपेक्स की अनाउंसमेंट की बातें कर रहा है, 15 नवंबर को यूएस में मिड टर्म इलेक्शन है जो कहीं ना कहीं फ्रैंकिंग को सपोर्ट देगा। जिस ढंग से सेंट्रल बैंक एफर्ट्स कर रही है कि इकोनॉमी पटरी पे लौटे, तो कंजम्पशन जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में ये बढ़ता हुआ दिखाई देगा गवार गम के लिए। एक्सपोर्ट रुपए की गिरावट की वजह से एक्सपोर्ट भी काफी अट्रैक्टिव है ये लेवल्स पे जो सपोर्ट करेगा। इल्ड में इनिशियली हमने ड्रॉप देखा है जो प्राइजेस को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान भी वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर है, बट पाकिस्तान में जो क्रॉप खराब हुई है जिसकी वजह से कॉटन गवार इंडिया के भाव में तेजी दिखाई दे रही है। टेक्निकली भी मार्केट ओवरसोल्ड था, तो अगले 2 से 3 महीने में भी तेजी है, और अगले 6 महीने की भी अगर हम बात करें तो हमें लगता है कि अगर 5 से 6 महीने की अवधि लेके चले तो गवार 5800 से 7000 तक का लेवल और गवार दम फिर से 11800 से 14000 तक का लेवल दिखा देगा। तो टेक्निकल फंडामेंटल और सीजनैलिटी के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो गवार काफी स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। जी सर, काफी अच्छे तरीके से आपने हमें समझाया, और सबसे मेन चीज जो है इसमें जो की टेक अवेज है, जितनी भी पॉसिबिलिटीज है कि किन पॉसिबिलिटीज की वजह से हमें आने वाले टाइम पे गवार जो सीड्स है उनमें एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, वेदर चाहे वो यूके का कोई चीज हो, चाहे वो पाकिस्तान की फ्लड हो, चाहे वो एनर्जी क्राइसिस हो। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों को और हमें इतनी बढ़िया जानकारी और सुझाव देने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।